दोस्तों ये कमेंट्स देखिए। दोस्तों ये कमेंट्स तब आए हैं जब मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्ट लगाई। दोस्तों कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और इसी वजह से मैंने भी उनकी पोस्ट लगाई और लिखा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस आदमी से आखिर लोगों को क्या तकलीफ है। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग तो डॉक्टर साहब की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोग इनके आलोचक भी हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 130 साल पहले। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के महू में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। दोस्तों बचपन से भेदभाव का शिकार रहे अंबेडकर पढ़ाई में बहुत तेज थे। इन्हें क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था और पानी पीने के लिए अलग पात्र था। इन्हीं कठिनाइयों के बावजूद भी ये पढ़ाई से पीछे नहीं हटे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की। दोस्तों इनकी काबिलियत को देखते हुए इनके पिता ने इनको बड़ौदा नरेश के पास भेजा, जहाँ से ये स्कॉलरशिप लेकर विदेश गए। दोस्तों बड़ौदा नरेश एक बहुत ही बुद्धिमान शासक थे। वह छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे, अतः इस कारण उन्होंने भीमराव अंबेडकर की काबिलियत को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप देकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भेजा। दोस्तों इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से विभिन्न विषयों में मास्टर्स कंप्लीट की। इसके बाद ये लंदन गए, वहाँ इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। दोस्तों अंबेडकर पुणे बड़ौदा नरेश के पास आ गए, जहाँ इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली। लेकिन फिर भी छुआछूत ने इनका साथ नहीं छोड़ा। एक बार इनकी जान पर भी बन आई। दोस्तों कष्टों को झेलने के बाद भी बाबा साहब ने ये प्रण लिया कि वे अब इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। इसके बाद अंबेडकर जी जीत जान से जुट गए। इन्होंने जगह जगह आंदोलन शुरू किए। दोस्तों इन्हें सफलता तब मिली जब हमारा देश आजाद हुआ। इन्होंने ये प्रण लिया कि ये दलित समाज को समान अधिकार दिलाएंगे। 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अंबेडकर से इतनी नफरत करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों अगर किसी देश में लोगों को एक समान अधिकार मिले तो उस देश की बहुत तरक्की होगी। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया जिससे स्त्रियों को समान अधिकार मिल सके। दोस्तों अंबेडकर समानता के समर्थन में थे। वे चाहते थे कि किसी देश के नागरिक को समान अधिकार मिले। आप स्वयं सोचकर देखिए, जिस आदमी की परछाई से भी लोग डरते हों उसे कितनी तकलीफ होगी। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए अंबेडकर ने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी लोग इसे ऊंच नीच के बारे में सोचते हैं। दोस्तों हमें ऊंच नीच की भावना को खत्म करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी भावना के साथ मैं बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं कि उनका पूरा सच आप जानिए, और उसके बाद अगर आपको जो अच्छा लगे, आपकी इच्छा है, आपके विचार हैं। धन्यवाद।